रायपुर उत्तर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने पत्नी और समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बीजेपी ने अपनी जीत का भरोसा जताया है। रायपुर उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने आज अपने परिवार और समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास, साफ पानी, बिजली, युवा रोजगार को चुनाव का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले कार्यकाल में इस पर कोई भी काम नहीं किया है। अब भाजपा जीत कर आएगी, सभी अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा। साथ ही बीजेपी के बहुमत से सरकार बनाने की बात भी कही है। तो ऐसे रहेंगे कि जो मेरे मतदाता भाई बहनेंगे, बहन बोलेंगे, उत्तर का मतदाता जो बोलेगा वो सब मेरे मुद्दे हैं। धूल किसी निवृत्ति दिलाना है, बिजली की समस्या का समाधान करना है, शुद्ध पानी पीने का व्यवस्था करना है, प्रधानमंत्री के आवास योजना जो पेंडिंग पड़ा है उसको करना है, युवाओं का जो सपना पीएससी भ्रष्टाचार कारण नष्ट हुआ उसको ठीक करके पूरा करना है, ये बेरोजगारी भत्ता जो कांग्रेस सरकार ने युवाओं को झूठ बोल करके सपना दिखा कर नहीं दिया और चुनाव आते आते घोषणा किया है उसका समुचित व्यवस्था करूंगा। जो कर्मचारी हैं जो रेगुलर नहीं हो पाए, कोई एडहॉक में है, कोई इसमें, उसको रेगुलर करा करके उनको ठीक से व्यवस्थित करने का दायित्व मेरे पर है। और मैं उत्तर विधानसभा छत्तीसगढ़ का दिल है, वहाँ व्यापारी है, अधिकारीगण है और एकदम कॉम्पैक्ट एरिया है, उसमें यातायात व्यवस्था को सुधारूंगा, पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करूंगा ताकि व्यापार सुरक्षित दृष्टि से हो सके और व्यापारी डरे नहीं, रात में आना जाना जैसे पहले करते थे वैसे करें। 15 साल में जो हमने काम किया उसको आप देखिए और इस 5 साल में उस 15 साल के काम का जो धूल तक साफ नहीं हो पाया। मेरा मतदाता भाई बहनों से अपील है कि मुझे जीताएं और रायपुर उत्तर को स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए और विकास कराए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।